नमस्कार, मेरा नाम पिंडो सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझे में। दोस्तों देखिए, कल भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से शुमार पवन सिंह पहुंचे हुए थे शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। इससे पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री से, चाहे हम मनोज तिवारी की बात कर लें, चाहे हम भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव की बात कर लें, अक्षरा सिंह की बात कर लें, ये तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे और अपने अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे थे। इस कड़ी में अब पवन सिंह के पहुँचने के बाद उनका पॉडकास्ट जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है, तो कुछ लोग जो है इसको कॉन्ट्रोवर्सी से जोड़कर भी देख रहे हैं। इस कड़ी में मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इंटरव्यू पवन सिंह का काफ़ी दमदार था, शानदार था और हर बातों का बेबाक अंदाज में पवन सिंह ने जवाब दिया और जो परसेप्शन होती है कि पवन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं वो कहीं ना कहीं उसे इंटरव्यू से नजर नहीं आ रहा। इस कड़ी में अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव की बेइज्जती किया है। अब भाई, आज तक जो देश का सबसे बड़ा चैनल है उसने भी एक स्टोरी चला दी है, आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खेसारी को छोटा भाई बताकर सरेआम बेइज्जत कर गए पवन सिंह, बोले हमसे सीख कर। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब होता है कि बस टाइटल है, अंदर कुछ और ही है। अंदर क्या है, क्या सच में खेसारी लाल यादव का बेइज्जती पवन सिंह ने किया है, वो मैं आर्टिकल पढ़ूंगा और आप लोग अपनी राय इस पर दीजिएगा। लिखा है कि छोटे भाई हैं खेसारी, पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं, वो जितने पॉपुलर हैं उतनी ही उनकी कॉन्ट्रोवर्सी की भी चर्चा होती है। सच में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं और हमेशा वो कॉन्ट्रोवर्सी में, चाहे वो हम अगर बात करूं तो अक्षरा सिंह के अलावा पवन सिंह की खेसारी लाल यादव से भी 36 का आंकड़ा रहने की जो खबर है वो लगातार आती रहती है। हालांकि पिछले दिनों ने एक दूसरे को गले लगाया था, जो अवार्ड शो हुआ था उसमें गले लगे थे, पवन सिंह के प्रचार के लिए भी खेसारी लाल यादव गए हुए थे। लेकिन सबके परे पवन सिंह ने शुभांकर मिश्रा से बातचीत में खेसारी को लेकर बात की और उन्हें भोजपुरी का टॉप स्टार बताया, लेकिन फिर कुछ ऐसा कह गए जो बेइज्जती से कम नहीं है और ये आज तक ने छापा है। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। खेसारी ने पवन सिंह से अपने रिश्ते पर बात की थी और कहा था कि हमारा रिश्ता वाली और सुग्रीव जैसा है, उनसे हमने अच्छा डांस किया, अच्छा बॉडी बनाना, एक्टिंग सीखा, तब उनसे हम मिले। पवन बोले कि खेसारी लाल यादव हमारे मित्र नहीं हैं, हमारे छोटे भाई हैं, देखकर ही तो बनाया था, पैदा होते ही थोड़े पवन सिंह बन गया था। यानी कि ये जो बात है कि भाई कोई भी बॉडी जो है वो देखकर ही बनाया था, मुझे ही देखकर तो बनाया था ना, तो ये बात जो है पवन सिंह ने कहा है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, खेसारी क्या है ना कि बोलता बहुत ज़्यादा है, जो भी है वो हमारा छोटा भाई है, अगर उसको दो बात बोलकर खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, मिलने दीजिए। कौन कौन सा स्टार है, कौन सुपर स्टार है, कौन स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये सब तो जनता के हाथ में है ना, खुद से क्यों बोलना है। अब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका शुभ नाम, तो वो क्या कहेंगे, मैं महानायक अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, नहीं। तो रही बात कि वो बोलता है कि ये क्या, रही बात कि वो बोलता है ये किया वो किया, ऐसे बड़ा बना, 100 बात की एक बात, तुम जो करो अच्छा करो, मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ, मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो कुछ इस अंदाज में पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर बातें कही है। बाकी इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, मुझे परे समझ से परे है। आप लोग अगर आप डिकोड कर पाते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सच में क्या पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव का बेइज्जत किया है, क्योंकि आज तक ने इस तरीके की खबर जो है चलाई है, तो मुझे लगा आपको आपको अपडेट देना चाहिए। बाकी इस अपडेट पर अपनी राय बताइए। और आप सभी ने पॉडकास्ट देखा कि नहीं देखा, अगर देख लिया है तो आपका जो मेन पॉइंट था वो क्या था, इस पर अपनी हमें राय बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।